भारतीयों को अक्सर पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोगों में माना जाता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। अर्थात भारतीय भी समय के साथ विकसित हुए है। इस प्रक्रिया में पूरी दुनिया से संबंधित मुद्दों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे न केवल पैदाइश बुद्धिजीवी होते हैं, बल्कि पढ़ाई के जिस भी क्षेत्र में वे अपना दिमाग लगाते हैं, उसमें सीखने, अभ्यास करने और अपने कौशल को भी प्रदर्शित करते हैं। भारतीय है जो मैथ, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजी, अर्थशास्त्र, दर्शन, चिकित्सा और राजनीति क्षेत्र में क्रांतिकारी विचार साबित हुए है। इनमें से अधिकांश लोगों ने केवल अपने देश के लिए अपितु पूरी संसार के लिए भी प्रमाणित किया है कि वे वास्तव में बुद्धिमान के योग्य है। आज हम आपको भारत में अब तक के 5 सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। पिता श्री चाणक्य के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महान विद्वान और अपने महान ज्ञान का कुटिल सदुपयोग, जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सूचनात्मक कार्य करने के कारण वह कौटिल्य कहलाए। वास्तव में आचार्य विष्णुगुप्त जन्म से ब्राह्मण, कर्म से सच्चे ब्राह्मण और उत्पत्ति से क्षत्रिय और सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु तथा अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात राजकुमार को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। चाणक्य की मृत्यु को लेकर कई कहानियां है, लेकिन कौन सा सच है इसका अभी तक कोई सर नहीं निकला है। नंबर 2, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ में से एक है। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते है। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने बीजगणित का प्रयोग किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टिया में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम भी दिए गए हैं। आज हम सभी इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपने कक्ष पर घूमती है और इस कारण रात और दिन होते हैं। कोपरनिक से लगभग 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और इसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है। इस महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ को यह भी ज्ञान था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होते हैं। आर्यभट्ट ने अपने सूत्र से यह सिद्ध किया कि एक वर्ष में 366 दिन नहीं बल्कि 365.2951 दिन होते हैं। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद। कोलकाता के एक विलीन बंगाली परिवार में जन्म विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। मानव के सेवा द्वारा परमात्मा की सेवा की जा सकती है। उन्होंने अमेरिका के चिकागो में सन 1893 में आयोजन विश्व धर्म महासभा में भारतीय ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 4, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत में सभी भेदभावपूर्ण सीमाओं को तोड़ दिया और दलित जाति से संबंधित होने के बावजूद स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, जिन्हें तब अच्युत माना जाता था। इस बुद्धिमान व्यक्ति ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय सहित बेहतरीन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की।
उन्होंने भारतीय संविधान के पीछे दिमाग और समाज के पिछड़े वर्गों के प्रति अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नंबर 5 एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी है, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भागवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। राजनीतिक स्तर पर कलाम की का विस्तार हो और भारत ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं को मिसाइलों को डिजाइन करने के लिए जाने जाते हैं। इन पांचों के अलावा और किसी बुद्धिमान व्यक्ति का नाम है तो आपके पास कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर